वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने मंगलवार को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेंस को देश भर में शुरू कर दिया है। यह परीक्षा 6 सितम्बर तक होगी और इसके लिए देश भर में 650 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। पहले दिन सेंटर्स पर कोरोना से बचाव और सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। स्टूडेंट्स भी एग्जाम सेंटर पर पूरी एहतियात के साथ देखे गए। वे अपने साथ हैंड सैनिटाइजर लेकर आए। इसके अलावा छात्र मास्क और फेस शील्ड लगाकर पहुंचे। तो आइए आपको JEE मेंस एग्जाम से जुड़े लेटेस्ट अपडेट से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कई छात्र संगठनों और विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद JEE मेंस परीक्षा शुरू की गई, क्योंकि NTA और सरकार का तर्क था कि यह परीक्षा छात्रों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, जबकि विपक्ष का कहना था कि कोरोना को देखते हुए इन परीक्षाओं को अभी टाला जा सकता है। फिलहाल आज से परीक्षा 2 शिफ्ट यानी कि सुबह 9:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे से शुरू हो गई हैं। इस बीच देश के कुछ हिस्सों से परीक्षा के पहले दिन की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए। NTA ने इस परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। एग्जाम सेंटर्स के बाहर स्टूडेंट्स को नए मास्क दिए गए, उन्हें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके और थर्मल चेकअप के बाद अंदर भेजा गया। यही नहीं, एग्जाम सेंटर्स के बाहर स्टूडेंट्स सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सेंटर्स के बाहर न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि वहां तैनात सुरक्षाकर्मी भी फेस शील्ड में नजर आए। वहीं परीक्षा हॉल में छात्रों के दूर दूर बैठने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ जगहों पर थोड़ी अव्यवस्था भी देखने को मिली। इस बीच मंगलवार को JEE मेन एग्जाम को स्थगित करने से इंकार करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित हिस्सों में रहने वाले छात्र जो परीक्षा केंद्र पहुंचने में असमर्थ हैं या देर से पहुंचते हैं, वे परीक्षा के लिए NTA को आवेदन कर सकते हैं। NTA इस तरह के आवेदनों पर विचार करेगा और सत्यता की जाँच करने के बाद इस पर कोई फैसला लेगा। बताया जा रहा है कि इस एग्जाम में 8,58,000 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन है। एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को दिए गए एडमिट कार्ड में बताए गए कोरोना और अन्य 22 निर्देशों का पालन करना होगा। एग्जाम सेंटर में सभी व्यवस्थाएं टचलेस हैं। इस बार कोड से स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड चेक किए गए। सेंटर से 20 मीटर दूरी तक ही गाड़ियों को पहुँचने की अनुमति दी गई। NTA के अधिकारियों ने कहा कि हर शिफ्ट की परीक्षा शुरू होने और बाद में सभी सीटों की पूरी तरह से साफ सफाई की जाएगी। वर्क स्टेशन एवं पूरे परीक्षा हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। यही नहीं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने छात्रों को भरोसा दिया है कि उनके आने जाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा IIT के पूर्व छात्रों और वर्तमान छात्रों ने भी एक पोर्टल शुरू किया है ताकि जरूरतमंद छात्रों को परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। तो इस रिपोर्ट में हमने JEE मेंस परीक्षा से जुड़ी बड़ी बातें आपको बताई। इस मसले से जुड़े हर अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।